मूवी स्टार्ट होती है तो हम कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं जो अपने ट्रिप पर न्यूयॉर्क से पेरिस जा रहे हैं। सब लोग उस ट्रिप के लिए काफी एक्साइटेड थे, लेकिन एक लड़का जिसका नाम एलेक्स होता है उसे कुछ अजीब लगता क्योंकि वो बहुत ज्यादा अलर्ट होता। वो अपने आसपास देखता है तो उसे ये फील होता है कि वहाँ पर हर चीज उसे कुछ ना कुछ कहना चाह रही है। जैसे कि काउंटर पर बैठी हुई लेडी उसे कहती है कि उसका डिपार्चर टाइम उसकी डेट ऑफ बर्थ है यानी 25 सितंबर, और डिपार्चर टाइम था 9:25। एयरपोर्ट पर एक सॉन्ग भी चल रहा था और जिस सिंगर का वो सॉन्ग था वो भी प्लेन एक्सप्लोड होने की वजह से मरा था। एलेक्स को इस तरह के और भी बहुत क्लू मिल रहे थे लेकिन वो फिर भी प्लेन में चढ़ जाता। अभी वो अपनी सीट पर बैठता ही है कि तभी वहाँ पर दो लड़कियाँ सीट एक्सचेंज करने के लिए आ जाती। तब एलेक्स अपनी सीट से उठकर अपने फ्रेंड टॉड के पास चला जाता। उस सीट पर बैठते ही वो देखता है कि उसके सामने वाली सीट की लॉक पिन टूटी हुई है। एलेक्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है क्योंकि वो काफी घबराया हुआ था। वो प्लेन से उतरना चाह रहा था लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि प्लेन टेक ऑफ कर रहा था। प्लेन टेक ऑफ कर चुका था और सब लोग काफी खुश और काफी एक्साइटेड थे, लेकिन टेक ऑफ करते ही उस प्लेन में कोई डिफेक्ट हो जाता है और वो प्लेन कंट्रोल से बाहर हो जाता। सब पैसेंजर्स काफी डर जाते हैं और प्लेन की एक साइड भी खुल जाती है जिससे लोग बाहर गिर रहे, और तभी प्लेन में आग लग जाती है क्योंकि वहाँ पर ब्लास्ट हो गया था और सब लोग इसकी लपेट में आ चुके थे और उसमें एलेक्स भी शामिल। और तभी फौरन एलेक्स की आँख खुल जाती, असल में ये उसका नाइटमेयर था। लेकिन यहाँ पर ये डाउट था कि क्या वाकई वो उसका स्केरी ड्रीम था या फिर वाकई कुछ ऐसा होने वाला, क्योंकि रियलिटी में भी उसके सामने वो दोनों लड़कियां खड़ी हुई थी जो ड्रीम में उसे सीट एक्सचेंज करने आई थी, और अब भी वो सीट एक्सचेंज करने की बात कर रही होती जिस पर एलेक्स बुरी तरह घबरा जाता और वो जल्दी से उठकर अपने फ्रेंड टॉड के पास जाकर बैठ जाता है जिसके साथ वो नाइटमेयर में बैठा था। सीट पर बैठकर वो सामने वाली सीट की लॉक पिन चेक करता है तो वो सच में टूटी हुई, और वो फौरन निकल जाती। सब कुछ एग्जैक्ट वैसे ही हो रहा था जैसे उसने अपने नाइटमेयर में देखा था, यानी वो उसका कोई भी नाइटमेयर नहीं बल्कि वो इस बात को इंडिकेट कर रहा था कि एलेक्स ने फ्यूचर देख लिया कि नेक्स्ट उनके साथ क्या होने वाला है। ये ह्यूमन नेचर में भी शामिल होता है, जैसे समटाइम हम ये कहते हैं कि ऐसा जो हुआ है हमने पहले देखा हुआ था। एलेक्स जो कि काफी घबराया हुआ था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या किया जाए, तो वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये प्लेन एक्सप्लोड होने वाला है। उसकी बात सुनकर बाकी पैसेंजर्स भी काफी डर जाते हैं और उसका क्लास फेलो कार्टर उससे लड़ने लगता जिससे उन दोनों को प्लेन से उतार दिया जाता और उसके साथ उनकी बाकी क्लास फेलोज और फ्रेंड्स भी उतर जाती है। एलेक्स उन सबको बताता है कि उसने प्लेन को एक्सप्लोड होते हुए देखा था जो कि बिल्कुल रियल था। उसकी ये बातें सुनकर कार्टर फिर से उससे लड़ने लगता है और उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। प्लेन भी टेक ऑफ कर चुका था लेकिन अब जो होने वाला था वो अनबिलीवेबल, क्योंकि यहाँ पर एलेक्स की बात सच हो जाती है। प्लेन टेक ऑफ करते ही क्रैश हो जाता और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वो सब लोग एलेक्स को काफी हैरानगी वाली निगाहों से देख रहे और अब उन्हें एलेक्स से डर भी लगने लगा। एलेक्स के फ्रेंड टॉड का भाई भी उसी प्लेन में था। क्योंकि वो सब लोग सर्वाइवर थे तो दो डिटेक्टिव्स उनसे पूछताछ करने के लिए वहाँ पर आते, लेकिन उन्हें एलेक्स पर ही शक था क्योंकि प्लेन टेक ऑफ करने से पहले एलेक्स ने इस बात की प्रेडिक्शन दे दी थी कि वो ब्लास्ट हो जाए, और ऐसा ही हुआ था। लेकिन वो डिटेक्टिव्स उसे अरेस्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि उन लोगों के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। तभी उन सबके पेरेंट्स आकर उन्हें वहाँ से ले जाते हैं। उस एक्सीडेंट के 39 डेज बाद कॉलेज में एक मेमोरियल रखा जाता क्योंकि उस एक्सीडेंट में 39 लोग मारे गए। उस मेमोरियल में सब स्टूडेंट्स के साथ उनके पेरेंट्स भी आए थे। टॉड का फादर एलेक्स को काफी अजीबोगरीब और गुस्से वाली निगाहों से देख रहा था क्योंकि वो अपने बेटे की मौत का रिस्पॉन्सिबल उसे ही समझ रहा था। लेकिन टॉड को पता था कि इसमें एलेक्स का कोई कसूर नहीं है और इसी वजह से उन दोनों का मिलना भी बंद। एक सर्वाइवर टीचर भी एलेक्स से काफी नाराज होती है और वो भी उसे कोई बात नहीं करती। अब वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम क्लेयर होता है जो कि एलेक्स की काफी अच्छी फ्रेंड भी थी, वो सिर्फ उसे ही लगता था कि एलेक्स ने उन लोगों की जान बचाई। वो लोग खुद को लकी समझ रहे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपनी डेथ को चीट कर दिया। लेकिन क्या वाकई ही उन्होंने अपनी डेथ को चीट कर दिया था? लेकिन असल में ये उनकी गलत फहमी थी क्योंकि अगर किसी की मौत फाइनल हो गई तो डेथ उसे किसी न किसी डिजाइन से मार डाली, और यकीनन डेथ ने उनके लिए कोई ना कोई प्लान किया होगा। रात को एलेक्स न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तभी उसकी विंडो पर एक आउल आकर बैठ जाता है और उसे भगाने के लिए वो न्यूज़पेपर उसकी तरफ फेंकता है जो कि एक फैन में अटक जाता है और उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं, और एक टुकड़ा आकर एलेक्स पे गिरता है और उस टुकड़े पर जो लिखा था वो उसके फ्रेंड का नाम टॉड, यानी डेथ इस बात को इंडिकेट कर रही थी कि अगली बारी टॉड की। फिर टॉड को दिखाया जाता है जो कि अपने बाथरूम में होता है और पानी में उसका पांव स्लिप हो जाता है और उसकी गर्दन से एक वायर लिपट जाती। वो खुद को बचाने की काफी कोशिश करता है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और फाइनली उसकी मौत हो जाती।
एलेक्स जल्दी से टॉड के घर जाता है, लेकिन अब इसका कोई भी फायदा नहीं था। काफी देर हो चुकी थी। टॉड के पेरेंट्स समझ रहे थे कि उसने सुसाइड कर लिया, लेकिन एलेक्स उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि टॉड ऐसा कभी भी नहीं कर सकता था। नेक्स्ट डे एलेक्स क्लेयर के पास जाता है, क्योंकि सिर्फ क्लेयर ही थी जो उसकी बातों पर बिलीव करती थी, और एलेक्स को लगता था कि टॉड ने सुसाइड नहीं किया और इसीलिए वो दोनों मॉर्ग जाते हैं। वहाँ पर वो दोनों एक आदमी से मिलते हैं जो उन्हें बताता है कि ये सुसाइड नहीं था, क्योंकि टॉड ने उस वायर को ड्रैग करने की कोशिश की, यानी खुद को सेव करने की कोशिश की थी। वो ये भी बताता है कि डेथ आने के लिए किसी इंसिडेंट या फिर किसी एक्सीडेंट की जरूरत नहीं होती, बल्कि डेथ सबको एक खास किस्म के डिजाइन से मारती, जिसे एलेक्स ने चीट कर दिया था जब वो उस प्लेन से उतरा था। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं था कि वो मौत से बच गए। टॉड की कंडीशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि क्या मौत ने उनके लिए कोई खास किस्म का डिजाइन और प्लान ही सोचा हुआ है, और वो सब फ्रेंड्स जो सर्वाइवर हैं एक एक करके मारे जाएंगे। एलेक्स और क्लेयर एक कॉफी शॉप पर बैठकर ये डिस्कशन कर रहे होते हैं कि वो डेथ के नेक्स्ट डिजाइन को कैसे चीट करेंगे, क्योंकि एक बार तो वो अपनी डेथ को चीट कर चुका था और वो दोबारा भी उसे चीट करना चाह रहा था। बाय चांस सारे सर्वाइवर्स एक बार फिर से मिल जाते हैं, और तभी एक बस कार्टर की फ्रेंड को उड़ाकर ले जाती है, जिससे वो लोग काफी घबरा जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि उन्होंने डेथ को नहीं टाला, वो अभी भी उनके आसपास घूम रही। रात को एलेक्स न्यूज देख रहा होता है, तब उसे पता चलता है कि प्लेन में ब्लास्ट कहाँ हुआ था और वो किस पैटर्न से आगे बढ़ा, और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी सीटिंग अरेंजमेंट चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि सबसे पहले टॉड ने मरना था और नेक्स्ट कौन होगा और इससे नेक्स्ट कौन, उसे सब कुछ पता चल जाता है। और अब वो डेथ के पैटर्न को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेता है। पैटर्न के हिसाब से वो देखता है कि टॉड और उसका भाई तो मर चुके हैं और अब अगली बारी उनकी टीचर की थी। तब एलेक्स जल्दी से अपने टीचर के घर जाता है और वो एलेक्स को अपनी विंडो से देख रही होती है। एलेक्स को देखकर वो टीचर समझती है कि शायद वो उसे मारने आया, और वो जल्दी से उन पुलिस ऑफिसर्स को कॉल कर देती। वो पुलिस ऑफिसर जल्दी से वहाँ आ जाते हैं और एलेक्स उन्हें वहाँ पर कुछ एक्सप्लोर करते हुए मिलता है, और इसीलिए वो एलेक्स को अपने साथ ले जाते हैं। वो एलेक्स से पूछते हैं कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है। तब एलेक्स उन लोगों को सारी बात बता देता और कहता है कि अब मरने की बारी उनकी टीचर की। वो पुलिस ऑफिसर उसकी बातों पर एग्री नहीं थे, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था, तो इसीलिए वो उसे जाने देते हैं। दूसरी तरफ वो टीचर एक म्यूजिक प्लेयर प्ले करती है, और ये वही सॉन्ग था जो उस दिन एयरपोर्ट पर भी लगा हुआ था। वो एक कप के अंदर गर्म चाय डालती है और घबराते हुए उसे फेंक देती है, और इसके बाद वो उसी कप में आइस और कुछ ड्रिंक डालती, जिससे वो कप क्रैक हो जाता। फिर वो उस कप को अपने कंप्यूटर के ऊपर लेकर जाती है, और उससे लीक होता पानी उस कंप्यूटर में गिर जाता है, जिससे उस कंप्यूटर में शॉर्ट सर्किट होने लगती। तब वो टीचर पास जाकर चेक करती है, तो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और कांच का एक टुकड़ा सीधा उसकी गर्दन में जाकर लगता। अब वहाँ पर सिचुएशन और ज्यादा खराब होती जा रही थी। वो एक कपड़े को उठाने की कोशिश कर रही थी जो कि कुछ नाइफ पर पड़ा हुआ था, और उसे उठाने के दौरान ही एक नाइफ उसके अंदर घुस जाता। जब तक एलेक्स वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था और वो टीचर भी काफी इंजर्ड थी और उसकी हालत काफी खराब थी। लेकिन इसके बावजूद भी एलेक्स उसे बचाने के लिए कुछ न कुछ करने की सोचता है। तभी एक चेयर ऊपर से आकर गिरती है, जो सीधा उस नाइफ पर आकर लगती। वो नाइफ और अंदर घुस जाता है और यहाँ पर वो टीचर भी मर जाती। घबराहट के आलम में एलेक्स वो नाइफ उस टीचर के पेट से निकाल लेता, लेकिन फिर उसे इस बात का रियलाइज हो चुका था कि उसने खुद को कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा लिया, और वहाँ का गैस भी ऑन था। एलेक्स बाहर निकलता है, तब एक सर्वाइवर फ्रेंड उसे देख लेता है। एलेक्स के बाहर आते ही वो घर ब्लास्ट हो जाता। उस फ्रेंड के बयान के अकॉर्डिंग वो पुलिस ऑफिसर्स एलेक्स को ढूंढने लगते, लेकिन एलेक्स अपने घर पर नहीं था और सिर्फ क्लेयर ही जानती थी कि वो कहाँ पर, और क्लेयर अपने उसी फ्रेंड जिसने एलेक्स के खिलाफ गवाही दी थी और कार्टर को लेकर एलेक्स के पास जाती है, क्योंकि वो पता लगवाना चाह रहे थे कि अगली मरने की बारी किसकी है। वो लोग एलेक्स को एक जगह से पिक कर लेते हैं, वो एलेक्स से पूछते हैं, लेकिन वो उन लोगों को कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, क्योंकि बताने का भी कोई फायदा नहीं होना था और अगली बारी कार्टर की होती। एलेक्स के इनकार करने पर कार्टर गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि मरना तो कन्फर्म है, तो क्यों ना वो अभी मर जाएं, सब लोग उसी की मर्जी से, और वो कार को फुल स्पीड पर चलाने लगता। वो बहुत डेंजरस ड्राइविंग कर रहा था। फिर वो अपनी कार को एक रेल ट्रैक पर लाकर खड़ा कर देता। एलेक्स, क्लेयर और उनका फ्रेंड तो कार से निकल जाते हैं, लेकिन कार्टर कार से बाहर नहीं आता। वो तीनों फ्रेंड कार्टर को समझाते हैं, और सामने से ट्रेन भी आ रही थी। तब फिर कार्टर भी डिसाइड कर लेता है कि वो ऐसे नहीं मरेगा, और कार्टर कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। और यहाँ पर हमें ये कन्फर्म हो जाता है कि डेथ ने उसके लिए यही प्लान किया हुआ, यानी कार्टर इसी डिजाइन से मरे। वो कार से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन डोर भी लॉक्ड हो चुका। वो सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से वो भी नहीं खुल रही थी। कार्टर का मरने का टाइम आ चुका था और मौत बिल्कुल उसके सामने खड़ी हुई थी। लेकिन एक बार फिर से एलेक्स डेथ को चीट कर देता है, और वो जल्दी से कार्टर को कार से बाहर निकाल कर उसकी जान बचा लेता है। अब क्योंकि एलेक्स ने डेथ को चीट कर दिया, तो अब अगली बारी किसकी हो। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि अगर कोई अपनी डेथ को
चीट कर लेता है तो डेन नेक्स्ट पर चली जाती है। लेकिन जब तक वो इस बात को समझते हैं कि अगली बारी किसकी थी, अब काफी देर हो चुकी, क्योंकि अगला वही था जो उनके साथ आया था, उनका फ्रेंड। वो ड्रेन कार के एक टुकड़े को हिट कर देती है जो सीधा आकर उनके फ्रेंड को लगता है और वो उसकी गर्दन ही उड़ाकर ले जाता और यहाँ पर वो भी मर चुका। अब यहाँ एलेक्स भी समझ चुका था कि अगर वो किसी की डेथ को चीट कर देगा तो डेथ उसे स्किप करके नेक्स्ट पर चली जाएगी। कार्टर बच चुका था और अब सिर्फ एलेक्स और क्लेयर ही रह गए थे और अगली बारी एलेक्स की थी। एलेक्स खुद को क्लेयर के कैबिन में बंद कर लेता है और वो वहाँ की डोर को टेप से चिपका देता है। लेकिन एलेक्स दोबारा से अपने सिटिंग ऑर्डर को रिकॉल करता है। तब उसे पता चलता है कि अब उसकी बारी नहीं बल्कि क्लेयर की बारी, क्योंकि क्लेयर उसकी अगली सीट पर बैठी हुई थी। क्लेयर को एलेक्स की काफी फिक्र हो रही और वो उन पुलिस ऑफिसर्स को एलेक्स का पता बता देती ताकि वो एलेक्स को सेव कर ले। एलेक्स क्लेयर को बचाने जा रहा था तभी वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। एलेक्स जल्दी से उनसे बचकर भाग जाता है क्योंकि उसे पता था कि वो लोग उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकेंगे। दूसरी तरफ क्लेयर के घर के बाहर एक इलेक्ट्रिक वायर टूट जाती है और अपने डॉग को बचाने के लिए क्लेयर नीचे आती है। तभी उनका स्विमिंग पूल टूट जाता है और उस पानी में काफी हैवी किस्म का करंट होता है और वो पानी चारों तरफ फैल जाता है। लेकिन क्लेयर किसी तरह अपने डॉग को भी बचा लेती है और खुद एक सीढ़ी पर चढ़कर खुद को सेव कर लेती है। वो अपनी कार में बैठकर जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करती है लेकिन वो वहीं पर ट्रैप हो जाती है। इतनी देर में एलेक्स भी वहां पर पहुंच जाता है और वो उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है। कार के चारों तरफ आग लग चुकी थी और वो इलेक्ट्रिक वायर कार के ऊपर ही पड़ी हुई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेथ ने क्लेयर के लिए यही डिजाइन प्लान किया, लेकिन यहाँ पर भी एलेक्स डेथ को चीट कर देता है क्योंकि एलेक्स उस वायर को हटाकर पीछे फेंक देता है और इतनी ही देर में क्लेयर भी उस कार से उतर जाती है और कार में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। वहाँ पर एलेक्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इस ब्लास्ट में नहीं बच पाया। इसके बाद हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि क्लेयर और कार्टर पेरिस घूमने जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनके साथ एलेक्स भी होता, यानी वो बच चुका। उन तीनों ने अपनी लाइफ को चीट कर दिया था और अब वो लोग आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे। एलेक्स को अभी भी लग रहा था कि डेथ का ये सिलसिला बंद नहीं हुआ क्योंकि क्लेयर और कार्टर की दफा तो उसने अपनी दखलअंदाजी करके उन्हें बचा लिया, लेकिन उसकी मर्तबा किसी ने भी दखलअंदाजी नहीं की और उसे लग रहा था कि उसकी बारी अभी तक नहीं आई और वो बिल्कुल ठीक सोच रहा था। तभी अचानक से वहाँ पर एक आदमी वही सॉन्ग गाने लगता है जो उस दिन एयरपोर्ट पर भी लगा हुआ था। एलेक्स को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था और वो वहाँ से जाने लगता। तभी क्लेयर देखती है कि वहाँ से एक बस आ रही है और वो एलेक्स को आवाज लगाती है और वो उस बस एक्सीडेंट से बच जाता है। लेकिन वो बस एक खंभे से टकरा जाती है और एक साइन बोर्ड टूट जाता है और नीचे आने लगता है और वो साइन बोर्ड एलेक्स की तरफ ही बढ़ रहा था। तभी कार्टर जल्दी से आकर उसे बचा लेता, यानी एलेक्स के लिए डेथ ने यही डिजाइन प्लान किया हुआ था जिसे उन लोगों ने स्किप कर दिया था, यानी अब वो नेक्स्ट पर्सन को ले जाए और नेक्स्ट था कार्टर। लेकिन यहाँ पर वो साइन बोर्ड कार्टर की तरफ आते हुए दिखाई देता है, लेकिन हमें यहाँ पर ये पता नहीं होता कि कार्टर मर गया है या जिंदा बचा है। ये हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।